यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। फिर योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के चौथे वर्ष में यहोवा की ओर से यह वचन यर्मयाह के पास पहुंचा, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशियाह के दिनों से लेकर अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैंने उन पर डालने की कल्पना की है अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। सो यर्मयाह ने नेरियाह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यर्मयाह से कहे थे उसके मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। यर्मयाह भविष्यवक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरियाह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए और योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के पांचवें वर्ष के नौवें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र गमरियाह जो प्रधान था उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी यर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। तब शापान के पुत्र गमरियाह के बेटे मिकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमरियाह और हनन्याह का पुत्र सितकियाह और सब हाकिम बैठे हुए हैं। और मिकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे वे सब वर्णन किए। उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र और शेलेम्याह का पोता और कुशी का परपोता था बारूक के पास भेजा और कहा कि जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है उसे अपने हाथ में लेता आ। सो नेरियाह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए उनके पास आया। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कि तुम कहां हो। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब
राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलिशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा और जो हकीम राजा के पास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि नौवां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। इलनातान और दलायाह और गमरियाह ने तो राजा से विनती की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी और राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अज़रियेल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और इर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने इर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का यह वचन इर्मयाह के पास पहुंचा कि फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख ले और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कह कि यहोवा यो कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने उसमें यह क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा और उसमें न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यो कहता है कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी और मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उसके और उनके अधर्म का दंड दूंगा और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिनको उन्होंने सच नहीं माना उन सबको मैं उन पर डालूंगा। तब इर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरियाह के पुत्र बारूक लेखक को दी और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी उसमें के सब वचनों को बारूक ने इर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उसमें लिख दिया और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई।